बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने पर जवाब दिया है। जातिगत जनगणना करवाना है या फिर नहीं, साफ तौर पर बता दें, इसको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए आवंटित कमरे को लेकर हुए विवाद पर उन्होंने अपनी राय दी है। इसके बाद जीतन राम मांझी के जनता दरबार लगाने को लेकर भी नितिन नवीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा। पहले शुरुआत की है, कुछ परंपरा को हम लोग लगातार लेकर चल रहे हैं और मेरा मानना है कि इसका अच्छा रिस्पांस है, लोगों में एक कॉन्फिडेंस है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी और उस कॉन्फिडेंस और विश्वास से बच्चों में काम। एक सवाल है नितिन नवीन जी की, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब सारे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा क्योंकि हमने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की पर उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जातीय जनगणना को लेकर। मैं तो ये पूछता हूँ कि क्या वो अपने परिवार में भी जनगणना कराएंगे, कि परिवार के लोगों को अधिकार देने की जो बात वो कर रहे हैं, समाज को अपने पार्टी में समाज के लोगों को अधिकार दिया है उन्होंने उस जनगणना के आधार पर। पार्टी में कितने बड़े पदों पर उन्हीं के परिवार के लोग बैठे हुए हैं, उस पर जनगणना नहीं हुआ है क्या आज तक? प्रधानमंत्री जी हर विषय पर समय आने पर निर्णय करते रहे हैं और आगे भी करेंगे, जो भी इस देश के हित में होगा, जो भी इस राज्य के हित में होगा, प्रधानमंत्री जी जरूर उस पर निर्णय करेंगे। ऐसा कोई चीज होने वाला है? आप कैसे सोचते हैं कि जो चीजें कहीं गलत हो रहा था यहाँ भी होगा? पर हम लोग ये करते हैं, हम लोग विकास में उनको, जो हमारे यहाँ सबसे अधिक कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, हमारे यहाँ मंदिरों को सुरक्षित करने की उसके बाउंड्री वाल, हम समाज से जुड़े हुए विषय को कर, जहाँ लोकतंत्र का मंदिर, जहाँ संविधान की पूजा होनी है, वहाँ पर राजनीति मत कीजिए और वहाँ धर्म के आधार पर विभाजन हो। पर आप ही के पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने मांग कर दी है कि विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एक जगह बनानी चाहिए। मेरे भाई, मेरे एक विषय पर कटाक्ष है, जो गलत परंपरा की शुरुआत करेंगे तो भविष्य क्या होगा उसकी कटाक्ष उन्होंने किया है। एक अंतिम सवाल है, कल आप ही के दोनों मंत्रियों ने तेज प्रताप के लिए प्रेम दिखाया है, आपकी क्या राय है? देखिए, किसी के साथ अपमान नहीं होना चाहिए। तेज प्रताप अगर रघुवंश बाबू का अपमान करते थे या जगता बाबू का, तो उस दिन भी हम लोग इस पर दुख व्यक्त करते थे। आज भाई ने भाई को किनारे करने का काम किया है, तो इस पर भी हम दुख व्यक्त करते हैं, गलत है। लेकिन चूंकि उस पार्टी से और उस परिवार से लोकतंत्र की उम्मीद नहीं है, वो खुद में आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो एक भाई कमजोर होगा उसकी स्थिति तो दयनीय होगी। ये कौन किधर मिल रहा है, क्या कर रहा है, ये तो विषय है। कई लोग बरसात के समय इधर आते हैं, उधर आते हैं, जो स्थायी वही रहते हैं, जो राज्य के विकास की चिंता करते होंगे वो निश्चित रूप से अपने आप को ही जगह।